are you guys coming to Singapore for study? Of course, you have a lot of expectations to fulfill your dreams, like how to earn money, how to find a job to stay and secure your future in Singapore. So let's move on, dosto. Feels right, it feels right, yeah. I'm saying that it feels right. तो भाई जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जिस तरह के एग्जांपल के तौर पे आप एक स्टडी में आते हो सिंगापुर में, 6 मंथ प्लस 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग होता है, ईयरली एक स्टडी का पैकेज होता है। कि इसमें क्या होता है आपकी 6 मंथ की स्टडी थ्योरेटिकल होती है और 6 मंथ होता है प्रैक्टिकल होती है, किसी रेस्टोरेंट, होटल या फिर किसी और फील्ड में, जैसे आप इंजीनियर हो तो उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग भी लगती है। तो आपका कॉलेज प्लेसमेंट करवा के देता है, उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्टडी कम्प्लीट होती है देन व्हेन यू मूव टू योर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कम्प्लीट होने से पहले, जस्ट कीप इन दिस थिंग इन योर माइंड, ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर, जैसे आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग है तो 4 महीने जैसे आप कंप्लीट हो जाते हैं, सो यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर ए जॉब। सिंगापुर में क्या, आपको डोर टू डोर किसी कंपनी में नहीं जाना सीवी लेकर कि हाँ भाई मेरे को जॉब चाहिए, यहाँ पे ऑनलाइन सोर्स हैं बड़े अच्छे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, सो यू कैन ट्राई फाइंडिंग वाया ऑनलाइन। सो उसमें कैसे, सिंगापुर काफ़ी सोर्स हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म, जैसे कि job.com है या फिर जॉब बैंक है, indeed.com है, db.com है, Gumtree, काफ़ी मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म, जैसे भी आप ऑनलाइन लिखोगे ना कि सिंगापुर जॉब्स, तो उसमें आपके सारे प्लेटफॉर्म नीचे आपको दिख जाएंगे ऑनलाइन, कि उसमें आप अपना सीवी अपलोड करना। हाँ, लेकिन उसमें सीवी प्रोफेशनल लेवल पे बना होना चाहिए, जैसे आप कॉलेज से निकलते हो ना तो कॉलेज आपको वहाँ पे, तो कॉलेज की तरफ से सीवी बनता है जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, वो सीवी यूज़ मत करना, यूज़ एज ए प्रॉपर प्रोफेशनल सीवी, जिसमें आपकी पूरी जो जहाँ पे एड्रेस सिंगापुर में रह रहे हो वो एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, आपके एजुकेशन एंड जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम एंड व्हाट यू नो अबाउट देम। जॉब अप्लाई करने से पहले जिस कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको जितना मैक्सिमम पता कर सको, यू गो ऑनलाइन सर्च अबाउट दैम, उतना ज़्यादा से ज़्यादा पता कर लेना, कि उसमें आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। जबकि आपको कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो एटलीस्ट यू नो अबाउट दैम समथिंग इफ दे आस्क यू सम क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, जिस कंपनी में आप फिलहाल 6 महीने जो ट्रेनिंग कर रहे हो ना, वो कंपनी भी क्या होता है, अगर आप उनको अपनी स्किल दिखा दो कि आई एम कैपेबल टू डू द थिंग्स बेटर देन समवन एल्स, तो वो कंपनी भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, मतलब आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकती है टू स्टे इन सिंगापुर परमानेंटली कंटिन्यूसली। उसमें कौन कौन से वीज़ा करते हो, एस पास, एक स्किल पास होता है और एक ई पास, एम्प्लॉयमेंट पास एंड वर्क परमिट। वर्क परमिट अगर जिस तरह हम प्रोफेशनल लाइन में आते हैं, किसी भी फील्ड में इंजीनियर है, FOHM से है या फिर ऑफिस में है, IT में है, उसमें वर्क परमिट नहीं लगते, उसमें एक तो स्किल पास होता है और एक एम्प्लॉयमेंट पास होता है। ये एस पास और ई पास के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें आपको क्लियरली समझाऊंगा भाई इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और कैसे है मिलता है। तो भाई जिस भाई के पास मतलब डिग्री नहीं है या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इंडिया से सिंगापुर आ रहे हैं, फ्रेशर है, जैसे 12th पास, मैं भी 12th पास था जब मैं सिंगापुर में आया था, जिस 12th पास आउट ही हुआ था और उसके बाद मैं सिंगापुर आया था, तो उसके बाद डिप्लोमा किया, फिर एडवांस किया, फिर एजुकेशन मतलब डिग्री की यहाँ से, तो यहाँ से ग्रेजुएट सिंगापुर से, तो उसके बाद में यहाँ पे जॉब है, सेटल है अभी यहाँ पे, तो आप भी कैसे सेटल हो सकते हैं ऐसे ही। तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, जिस भाई के पास डिग्री नहीं है, सबसे पहले उसके भाई को क्या करना है, अभी जिस तरह आप ट्रेनिंग कर रहे हो मतलब किसी कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट के बाद, जो आपकी 6 महीने की पेड ट्रेनिंग है, उसमें जैसे 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, 4 महीने कंप्लीट होने के बाद यू जस्ट अप्रोच यू कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पहले से स्टडी कर रहे हैं उस कॉलेज में कंफर्म दे डू हैव हायर डिप्लोमा, अगर नहीं होगा तो आपको कॉलेज रिकमेंड करता है कोई कॉलेज, अगर उस कॉलेज में जैसे अप्लाई करोगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसी कॉलेज में क्यों अप्लाई करना, क्योंकि उस कॉलेज में आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और एक और अपॉर्चुनिटी होती है इसमें क्या, कि आप पैसा इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो क्योंकि आप वहाँ के एक्स स्टूडेंट हो ट्रस्टेबल। पहले क्या सिंगापुर सभी को देता था, जो फर्स्ट टाइम भी आते थे ना उनको भी इंस्टॉलमेंट देता था, लेकिन स्टूडेंट क्या करते थे, 2-3 महीना रहे, मन नहीं लगा, भाग गए, तो उनके पैसे वेस्ट होते थे कॉलेज को, दे लूजिंग द मनी, सो नाउ टोटली दे स्टॉप अबाउट दिस थिंग्स। तो जैसे भी आप कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए अप्रोच करते हैं तो उसके बाद वो ICM फिर से अप्लाई करता है, उसमें क्या होता है 2-3 वीक का टाइम लगता है, कंपेयर टू फर्स्ट टाइम यू गेट अ वीज़ा इन सिंगापुर 1.5 महीने का टाइम लगता है उसमें, जैसे बताया था मैंने पहली वीडियो में, तो इस टाइम आपको बस 2 वीक का टाइम लगता है, 2-3 वीक का जल्दी वीज़ा अप्रूव हो जाता है, क्योंकि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आपके पूरे रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी ICA के पास है, खाली उनको बस एक बार देखना कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको वीज़ा जल्दी अप्रूव कर देते हैं। लेकिन एक और क्या कि आपको की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कंट्री एग्जिट करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आपको 1 वीक का एक सोशल विजिट पास मिलता है, विद इन 1 वीक यू हैव टू एग्जिट द कंट्री, उसमें कोई घबराने की बात नहीं, जैसे कि आपने कॉलेज में अप्लाई कर ही दिया है तो वीज़ा अप्रूव ऑफकोर्स हो जाएगा, तो उसके बाद आपको इंडिया जा रहे हो, इंडिया जाओ नो प्रॉब्लम, इन्जॉय 14-15 डेज एंड यू कैन कम बैक टू सिंगापुर ऑन योर हायर एजुकेशन। ये आपके लिए जैसे आप अगर एडवांस डिप्लोमा कंप्लीट करते हो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप सेकेंड टाइम ट्रेनिंग के लिए मतलब स्टडी के लिए आ रहे हो ना,
तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी फिर से, जैसे कि आप पे ट्रेनिंग पहले करके जा सके। रिसेंटली होता था, मतलब पहले क्या होता था कि जितने बार स्टडी करोगे उतने बार ट्रेनिंग मिल जाती थी, लेकिन रिसेंटली क्या है कि यहाँ पे सिंगापुर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, एक ही बार जो फर्स्ट टाइम बंदा सिंगापुर में आ रहा है स्टडी पे उसी को ट्रेनिंग मिलती है, तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और उसके बाद जैसे भी आप अपना हायर एजुकेशन डिप्लोमा कंप्लीट करते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया ट्रेनिंग का, सिंगापुर में ट्रेनिंग की भाई आपने डिप्लोमा किया, अभी आपके पास एक हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट भी हो गया जो कि एडवांस डिप्लोमा है, उसके 2 महीने कंप्लीट होने से पहले, जैसे 8 महीने की स्टडी है तो 6 महीने के बाद ऑनलाइन जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दो। उसमें कॉलेज भी आपकी हेल्प करता है, जैसे अपना CV बनाओ और अपनी सारी डिटेल उसमें डाल के, सो यू कैन सेंड यू CV बाय ऑनलाइन पुट ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो आप इससे भी जॉब मिल सकती है आपको। सो यू कैन ट्राई, ऑल द बेस्ट टू यू। भाई के पास एक्सपीरियंस है 4-5 साल का इंडिया से और डिग्री नहीं है, तो सिंगापुर में कैसे सेटल हो सकता है, कैसे उसको परमानेंट जॉब मिल सकती है, उसके लिए मैं आसान सा तरीका बताता हूँ आपको। जब भी आप सिंगापुर में स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हो इंडिया से, तो आपको क्या करना है, जिस कंपनी में आप फिलहाल काम कर रहे हो या फिर कहीं पर आपने काम कर रखा हो पहले, यू मेक श्योर हैव ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप वहाँ पे काम कर चुके हो, 4 साल का हो या 5 साल का, या फिलहाल किसी करंट कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ से आपको लिखवा के लेना कि यहाँ पे इतने साल से आप काम कर रहे हो, ये आपका सैलरी पैकेज है, मीन्स यू वांट गो सिंगापुर ऑन द सेम फील्ड फॉर द स्टडी, तो कंपनी आपको यूजली दे देती है उस चीज़ को। तो उन्हीं सर्टिफिकेट के साथ जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, और जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है उनके साथ आप सिंगापुर में स्टडी वीजा अप्लाई करो। इसका क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है उसके पास आपके जो एक्सपीरियंस लेटर है जो सर्टिफिकेट हमने सबमिट किया वो पहले से ही पहुंच गई, उनके पास आपका रिपोर्ट पहले से ही पहुंच गया। तो जैसे भी आप सिंगापुर में स्टडी वीजा पे आते हो, स्टडी वीजा के बाद आपकी क्या होता है, जो 6 मंथ की ट्रेनिंग है, 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले जैसे कि 4 महीने खत्म हो गए तो आप जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, जो भी एक्सपीरियंस लेटर आपने स्टडी के टाइम पे लगाए थे फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट में जो एक्सपीरियंस जिस कंपनी से था आपको, सेम थिंग यू मेंशन इन अ CV आल्सो बिफोर यू अप्लाई फॉर अ जॉब, देन यू कैन सेंड यू CV, पुट यू CV ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू गेट अ जॉब। जैसे कि किसी कंपनी से आपको कॉल आती है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देन यू कैन, इफ अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, जैसे भी आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके वो स्पॉन्सर करते हैं वीज़ा के लिए, आपको भेजते हैं MOM के मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जैसे भी आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको बुलाती है विद योर ओल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी सर्टिफिकेट आपने पहले लगाए थे, मेक श्योर यू हैव ऑल दैट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कोई फेक डॉक्यूमेंट मत लगाना भाई, यू कैन बी इन बिग ट्रबल अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया, सो यू कैन बी फाइन और यू कैन बी ए जेल इन सिंगापुर। कई लोग क्या करते हैं कि उनका मान लो 8-10 साल का गैप होता है, वो एजेंटों के थ्रू अप्लाई करवा देते हैं स्टडी वीज़ा के लिए गैप कवर करने के लिए, और एजेंट जो होते हैं आप लोगों को बताते नहीं उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा रखे हैं। तो जैसे कल आप सिंगापुर में आओगे तो उसके बाद आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हो स्टडी के बाद, अपनी ट्रेनिंग के बाद, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे किसी कंपनी ने सेलेक्ट किया, लेकिन तब भी आप MOM में जाते हो, डजेंट मैटर किसी कंपनी आपने स्पॉन्सर भी कर रही है, अगर MOM में जाते हो जो डॉक्यूमेंट पहले एजेंट ने आपके लगाए थे स्टडी वीज़ा के लिए और जो भी आप ओरिजिनल उनको दिखा रहे हो, अगर वो मैच नहीं होते सो यू विल बी इन अ बिग ट्रबल, यू कैन बी फाइन, यू कैन बी ए जेल, सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो होपफुली भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर भाई आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट अ मोर इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट सिंगापुर। और किसी भाई को अभी कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ यू कैन कमेंट मी बिलो इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन ड्रॉप मी ईमेल, माई पर्सनल ईमेल एड्रेस गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। तो टिल द टाइम साइन ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।